वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में हम लोग को H प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, KW बता रखा है। यहाँ पे ध्यान दें, KW 10^-14 नहीं है। नॉर्मली KW का वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, 10^-14, बट यहाँ पे 10^-14 नहीं है, ये वैल्यू दिया है, यही यूज करना है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर ये सारे डेटा दिए हुए है तो POH क्या है, POH क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले OH- पता करेंगे, OH- पता करेंगे, उसका लॉग ले लेंगे, POH आएगा। तो OH- हम लोग को पता करना है क्या है। तो एक हम लोग इक्वेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू KW। यहां KW क्या है, 2 × 10^-12। सो नाउ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होगा KW बाय H प्लस, विच इज इक्वल टू 2 × 10^-12 डिवाइडेड बाय H प्लस। H प्लस बता रखा है कितना सॉल्यूशन में, 10^-2। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो दिस इज 2 × 10^-10। तो ये क्या आया, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। POH क्या होता है, POH माइनस लॉग ऑफ OH- इज इक्वल क्या, माइनस लॉग ऑफ 2 × 10^-10। अब इसको सॉल्व करना बाकी रह गया, यहां माइनस, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस लॉग ऑफ 2 − log(10^-10)। मैंने क्या किया, log a into b is equal to log a plus log b कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा POH equal to, ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 मतलब माइनस लॉग 2 + 10 हो जाएगा, माइनस लॉग 2 + 10। दिस कैन बी रिटन एज 10 − log 2। तो POH हमारा क्या आया, 10 − log 2, ये आ गया हमारा POH। अब इस log 2 को पुट कर देते हैं, तो log 2 का वैल्यू याद रखना पड़ता है, कितना होता है, 0.3। log 2 का होता है 0.30, ये यूज करते हैं। तो क्या आया, ये आएगा 9.70। तो ये है हमारा POH।